हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के टीम के बीच में जो आज शाम 6 बजे से ये थर्ड ओडीआई का मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपनी टीम बनाने से पहले दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, हेड टू हेड और वेन्यू के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम के बीच में 4 हेड टू हेड ओडीआई के मैच अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से 4 के 4 मैच यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ही जीते हैं। यूएई की टीम अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब दोस्तों, वेन्यू की यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये मैच शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियम शारजहाँ में खेला जाएगा। तो तीनों मैच इसी सीरीज़ के इसी वेन्यू पे खेले जा रहे हैं, ये वाला मैच भी यहीं खेला जाएगा। तो इस वेन्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 231 का रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 196 का रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर इस विकेट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एक बैलेंस विकेट है, तो आप लोग एक बैलेंस विकेट मान के ही टीम बनाना तो आपकी एक अच्छी टीम बन पाएगी। उसके अलावा वेदर की बात करें, वेदर क्लियर रहने वाला है, यहाँ पे बारिश के कोई चांस है नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट 10 मैच खेले गए हैं इस वेन्यू पे, अगर आप उनमें देखेंगे तो 71 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाले हैं, वहीं 56 विकेट स्पिनर को भी मिले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे स्पिन के मुकाबले पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलते, स्पिनर ने भी यहाँ पे ठीक ठाक किया हुआ है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो रीसेंट मैच खेले गए हैं इसी सीरीज़ के, आप लोग उसका यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे पता रहेगा किस तरह का यहाँ पे स्कोर बनता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे यूएई की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग मान के चल सकते हैं यहाँ पे 200 से लेके 220 230 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको फिर स्कोर 300 के आसपास भी यहाँ पे बनता हुआ देख सकता है। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। तो जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी वो तो टॉस के बाद हमको पता चल ही जाएगा, तो जो भी होगा मैं टॉस के बाद आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने हेड टू हेड मैचेस के बारे में जान लिया, इस वेन्यू के बारे में जान लिया, अब हम लोग यहाँ पे दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले यूएई की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ आपको मोहम्मद वसीम ए शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वी अरविंद आएंगे, लवप्रीत सिंह हैं, आशिफ खान हैं, बशील हमीद हैं, अली नशीर हैं, ए अफजल खान हैं, संचित शर्मा हैं, आदित्य शेट्टी हैं, जहूर खान हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे यूएई की प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स ओपन करते हुए देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे शमार ब्रूक्स आएंगे, कैशी कृति हैं, रोस्टन चेज हैं, शे होप हैं, केविन हॉज हैं, वाई करिया हैं, ओडन स्मिथ हैं, डी ड्रैक्स हैं, अकीम जॉर्डन हैं। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, इन दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 में अगर कुछ भी चेंज होता है तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपनी टीम क्रिएट करने। तो दोस्तों, आप लोग जब अपनी टीम क्रिएट करने विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे से होप हैं, वी अरविंद हैं, जे ऑनसन चार्ल्स हैं, ए शर्मा है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। अब इन 4 ऑप्शन में स्मॉल लीग के लिए दोस्तों बात करें तो जॉनसन चार्ल्स यहाँ पे मस्ट पिक रहेंगे, ओपनिंग पर आ रहे हैं और अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको लेकर चलना जरूरी रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, से होप इनकी बात करें तो ओडीआई के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पर अपने आप को ये काफ़ी नीचे लेके आ रहे हैं, वैसे ये ओपन कर देते पर अभी ये काफ़ी नीचे खेल रहे हैं, तो स्मॉल लीग में लेना इनको थोड़ा सा रिस्की रहेगा। पर अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर आप लोग इनको स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा दोस्तों, वी अरविंद वन डाउन पे आपको देखेंगे विकेट कीपिंग, यहाँ से ए शर्मा कर रहे हैं, अरविंद नहीं कर रहे हैं, पर अरविंद यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं ए शर्मा के मुकाबले। तो अगर यहाँ पे आप लोग ट्राई करना चाहें तो वी अरविंद को स्मॉल लीग में भी कर सकते हैं, ए शर्मा उतने अच्छे रहेंगे नहीं, तो इनके बारे में मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स को ही लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों, बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे आपके पास वसीम मोहम्मद का ऑप्शन है,
जो कि दोनों ही मैच में लगातार फ्लॉप रहे हैं, पर दोस्तों एक अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको आप लोग जीएल की टीम में जरूर रोटेट कर लेना। स्मॉल लीग में फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, तो फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं, पर जीएल की टीम में आप लोग इनको रोटेट कर लेना, अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा दोस्तों बी किंग इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों ही मैचेस में काफी अच्छा किया है, लोग इनको सीवीसी भी करके आएंगे, आप लोग भी करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा आसिफ खान भी दोस्तों एक अच्छे ऑप्शन है, पर सामने वेस्ट इंडीज की टीम है तो पता नहीं कुछ खास कर पाएंगे या नहीं, तो इनको भी आप लोग जीएल की टीम में रोटेट कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एस ब्रूक्स को लिया है, तो हमें यहाँ पे फिलहाल जो टीम बना रहे हैं वो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के फेवर में ही बना रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ही इस मैच को जीतने वाली है, तो उसी के हिसाब से मैं अपनी टीम यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके अलावा उसमें पर रमेश शहजाद की बात करें, खेलते हैं तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। उसके अलावा बाकी यहाँ पे नीचे अभी कोई लग नहीं रहा है इनमें से खेलेगा। केसी कृति भी दोस्तों एक ठीक ठाक प्लेयर है, इनको आप लोग ट्राई करना चाहें तो इनको भी स्मॉल लीग में कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया। बाकी नीचे बात करें तो नीचे कोई खास ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो फिलहाल के दोस्तों मैंने बैटिंग सेक्शन में बी किंग और यहाँ पे एस ब्रूक्स को ही लिया है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रोहन मुस्तफा खेलते हैं तो एक ठीक ठाक ऑप्शन है, पर अभी रिसेंट इनका उतना अच्छा नहीं रहा, पर प्लेयर ठीक ठाक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों रोस्टन चेस मस्ट पिक रहेंगे, किसी भी इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करे, पर वैसे अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस केस में आप लोग इनको सीवीसी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी वेस्ट इंडीज की टीम तो फिर इनकी बैटिंग भी आएगी और बॉलिंग तो अच्छी खासी करा ही रहे हैं, तो उस केस में सीवीसी के अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आयान खान ये भी मस्ट पिक रहेंगे, दोनों ही मैचेस में 10-10 ओवर की पूरी बॉलिंग भी कराई है और अच्छी खासी ये बैटिंग भी कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे इनको भी लिया है। उसके अलावा के पॉल फर्स्ट मैच खेले, इनको इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, सेकेंड मैच में इनको मौका मिला नहीं, तो अगर ये खेल जाते तो एक अच्छे ऑप्शन है, अगर खेलेंगे तो स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके अलावा रेफर को दोस्तों अगर मौका मिलता है तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, खेलते हैं तो अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग तो करेंगे ही, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों बसील हमीद लास्ट मैच में सिर्फ 2 ही ओवर की बॉलिंग कराई, पर बल्ले से उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो मैंने यहाँ पे हमीद को भी लिया है। उसके अलावा दोस्तों केविन हॉज इनकी बात करें तो लगभग 8 से 10 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, सॉरी दोस्तों फर्स्ट मैच में इन्होंने 6 ओवर की बॉलिंग कराई, सेकंड मैच में 8 ओवर की कराई, तो एक अच्छे प्लेयर हैं, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए हॉज को भी लिया है, क्योंकि 7 से 8 ओवर की आपको बॉलिंग भी करते हुए देखेंगे और अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बैटिंग करेगी तो फिर बैटिंग भी आ जाएगी, तो फिर ये आपको बल्ले से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको लिया है। उसके अलावा एल सिंह बाजवा ए नशीर, यहाँ पे एल सिंह बाजवा दोस्तों इस मॉली के लिए उतने अच्छे रहेंगे नहीं, क्योंकि उतना अच्छा इनका स्टार्ट है नहीं, ये नशीर ने दोनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छा किया है, तो ये मस्ट पिक रहेंगे, इनको आप लोग लेके चलें। तो यहाँ पे फिलहाल के दोस्तों मैंने इन 5 ऑलराउंडर्स को लिया है। अब यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में चले तो यहाँ पे दोस्तों के मियाप्पा खेलते तो ठीक ठाक ऑप्शन है, जुनेश सिद्दीकी भी एक अच्छे ऑप्शन है, अगर खेल जाते तो ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और अपनी टीम से डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, पर लास्ट मैच नहीं खेले। उसके अलावा सिंक्लेयर खेलते हैं तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, हालांकि एवरेज प्लेयर है। उसके अलावा दोस्तों ओडन स्मिथ ये मस्ट पिक रहेंगे, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर ये अच्छी खासी आपको हिटिंग भी करते हुए दिख सकते हैं और ओवर तो कराएंगे ही, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीवीसी भी आप इनको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एस शर्मा की बात करें तो एवरेज ऑप्शन है, पर जीएल की टीम में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ड्रैक्स मस्ट पिक रहेंगे, फर्स्ट मैच में इनको इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिले, पर ये भी एक विकेट टेकिंग बॉलर है और ये भी डेथ में बॉलिंग कराते हैं, तो ड्रैक्स भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इनको भी लिया। उसके अलावा दोस्तों जहूर खान, अगर यूएई की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो ये डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे और एक विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उस केस में इनको लेना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, पर यूएई की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो फिर हम इनको लेके चल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अकीम जॉर्डन और यहाँ पे वाई करिया, आप लोग इनमें से जिसको लेना चाहें ले सकते हैं, दोनों ही ठीक ठाक प्लेयर हैं, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे जॉर्डन को लिया। इनका अगर आप ओवरऑल स्टार्ट देखेंगे तो लिस्टे के मैचेस में काफ़ी अच्छा किया है, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए जॉर्डन को लिया, लास्ट मैच में भी 2 विकेट लेके आए और एक अच्छे प्लेयर है, तो मैंने यहाँ पे जॉर्डन को लिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पे करिया को भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे इनको आप लोग जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग तो करेंगे ही, तो जीएल की अच्छी चॉइस रहेंगे, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए जॉर्डन को लिया। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे दोस्तों सीवीसी ऑप्शन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे ओडन स्मिथ का ऑप्शन रहेगा, उसके अलावा ब्रेंटन किंग को भी बहुत लोग करेंगे तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे सीवीसी के। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रोस्टन चेस और आयान खान, तो ये 4 अच्छे ऑप्शन इस मैच में सीवीसी के रहने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इस मैच में अपनी कैप्टनसी यहाँ पे रोस्टन चेस को दी है, वाइस कैप्टनसी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेंटन
किंग को किया है। आपके पास जो अदर ऑप्शन है ओडेन स्मिथ और आयान खान, ये लोग भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं सीबीसी के। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मेरी ये टीम है, अगर इस टीम में कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।